मेट्रो में है लेकिन टिकट भी मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे पता नहीं है। तो यहाँ काउंटर मिला है, यहाँ पूछ के पता करते हैं कहाँ जाना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज का जो वीडियो है, अच्छा कुछ अलग अलग लग रहा है क्या? नहीं, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो एक्चुअली हिंदी में होगा, क्योंकि उसका रीज़न मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था उस टाइम मैं उड़ीसा में था, तो मैं उड़िया में बोल रहा था, उड़िया में ब्लॉगिंग कर रहा था। तो अभी मैं राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर, सो यहाँ पे जो नया फ्रेंड बन रहे हैं, जो भी मतलब सब्सक्राइबर बन रहे हैं, उनको मेरा लैंग्वेज पता नहीं चल रहा है, मालूम नहीं चल रहा है, तो वो लोग सब्सक्राइब करके भी क्या फ़ायदा अगर वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हिंदी में होगा। तो बस ज़्यादा बात नहीं करके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, और कहाँ पे एक्चुअली हमको नहीं पता है। हम मैं और मेरे दोस्त लंच करके निकल चुके हैं, अभी हम पैदल चल रहे हैं, जा रहे हैं अभी बस स्टॉप जा रहे हैं। हाँ, तो और हम लोग बस स्टॉप से यशवंतपुर के लिए बस लेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे है, तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो, हम दोनों को बस इतना ही पता है कि इस्कॉन टेम्पल यशवंतपुर में है, ठीक है, लेकिन यशवंतपुर कैसा जाना है, क्या जाना है, उसको हमको नहीं पता। अभी हम हैं BTM स्टेज 2 में, और BTM स्टेज 2 से हम अभी BTM बस स्टैंड जा रहे हैं, तो BTM बस स्टैंड से बस पकड़ के यशवंतपुर जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे, और ये वीडियो आप पूरा देखिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और इस्कॉन टेम्पल बहुत फेमस है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसका हर एक क्लिप सिनेमेटिक मैं ट्राई करूँगा डालने के लिए। तो चलो वीडियो को देखो लास्ट तक, और जो चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। बस चलो अभी हम सिल्क बोर्ड में आगे पहुंच चुके हैं। BTM से हम डायरेक्ट सिल्क बोर्ड आ गए हैं, क्योंकि BTM से हमको नहीं मिला यशवंतपुर के लिए डायरेक्ट बस, तो सिल्क बोर्ड में आई थिंक मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं सिल्क बोर्ड से सर्च करने के लिए यशवंतपुर का बस कहाँ मिलेगा। यशवंतपुर जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा बता सकते हो? डायरेक्ट बस नहीं मिलता है, एंड में जाओ, ठीक है, इधर से KPS3 में जाओ, केम्बेगौड़ा बस मिलता है, पहले यहाँ से मजेस्टिक जाना पड़ेगा, मजेस्टिक में उतरो, KPS3 में चला जाओ, मजेस्टिक में उतरो, उधर से तो गाइज हम पता किए, तो वहाँ पे वो बोले कि यहाँ से डायरेक्ट यशवंतपुर के लिए सिल्क बोर्ड से भी बस नहीं मिलेगा, अभी हमको जाना पड़ेगा मजेस्टिक, तो मजेस्टिक से डायरेक्ट बस मिल जाएगा यशवंतपुर के लिए। तो अभी निकल पड़े हैं हम, अब भी कुछ बोलो। हाँ, हम लोग निकल पड़े हैं मजेस्टिक के लिए, देखते हैं यहाँ पे बस मिल जाएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने टाइम पे भी ब्लॉगिंग हो सके, ताकि हम लोग मेट्रो से आने का उधर से प्लान किए हैं। तो फिर देखिए आगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। आज हम सोच रहे हैं कि आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे बैंगलोर, हम ऐसे ही चलेंगे पूरा अच्छा से, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन एक दिक्कत है, आने का टाइम अगर फ़ोन का बैटरी रहेगा तब हम कर पाएंगे, आने का टाइम हम सोच रहे हैं कि मेट्रो से आने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, पहले ये वाला ब्लॉग बन जाए। हाँ, ये वाला। अभी हम पहुंच चुके हैं मजेस्टिक बस स्टैंड में, अभी हम यशवंतपुर के लिए बस पकड़ेंगे, तो हम जा रहे हैं यहाँ से पूछ लिए, तो उधर वो साइड है, तो जाके पता करके फिर चलते हैं। फाइनली अभी हम आके पहुंच चुके हैं मजेस्टिक में, अभी मजेस्टिक में बस में ही बैठ चुके हैं, तो जो बस का नंबर है 99B है। तो अभी मजेस्टिक से हम जाएंगे यशवंतपुर, और यशवंतपुर से इस्कॉन टेम्पल 1 किलोमीटर है, जो हम पूछ के पता किए। अभी हम ये वाला क्या यशवंतपुरा सर्कल से अभी हम लोग ऑटो लिए हैं, यहाँ से ऑटो लेके हम जा रहे हैं अभी इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, और यहाँ से इस्कॉन टेम्पल 1.5 किलोमीटर है। तो अभी डायरेक्ट हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच के आपसे बात करते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में, अभी एंटर करेंगे, ये वाला रूट है, तो ये वाला टेम्पल है।
इस्कॉन टेम्पल में। नज़ारा बहुत ही सही है, मस्त मज़ा आ रहा है आपको। आप यहाँ आओगे पहुँचोगे तो रियली आपको पूरा शांति लगेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इधर भी वो साइड में भी मतलब लेके एक फ़ोटो वोटो ले सकते हैं। इधर भी देखिए टेम्पल कितना सही आ रहा है। अभी मैं अंदर जाके अंदर जाऊँगा आपके साथ सब शेयर करूँगा, क्या अंदर में है क्या नहीं है, फूड भी अवेलेबल होता है या मैं सुना था, अभी जाके सब एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो जितना मेरे से हो सकेगा छुप छुप के मैं उतना आपको शो करने के लिए ट्राई करूँगा। तो चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको टेंपल कैसा लगा? टेंपल मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इस्कॉन टेंपल है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा टेंपल है, यहाँ तक कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल में माना जाता है ये इस्कॉन टेंपल, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के संरक्षण में ये वीडियो मतलब कि ये टेंपल जो है वो स्थापित किया गया। और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ये मतलब उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए इस इस्कॉन टेंपल में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और शांति का भी यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कि अनुभव होता है अपने अंदर में। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस टेंपल में आएँ और आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। तो आगे वीडियोज़ देखिए और कैसा लगता है आप अनुमान कमेंट कीजिए वीडियोस में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस टेंपल में आएंगे और इस टेंपल में आने के बाद अपने मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। इस्कॉन टेंपल का घूमना खत्म हो गया। जैसे कि मैं पहले ही बोला था आपको कि मैं लास्ट में जाने का टाइम हम मेट्रो में जाने का ट्राई करेंगे, तो अभी भी मेरा फ़ोन में 40% चार्ज है, इसलिए मैं हम आ गए हैं अभी मेट्रो स्टेशन। ये जो पीछे में दिख रहा है ये महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन है। अभी हम यहाँ से चलेंगे मैजेस्टिक, फिर मैजेस्टिक से हम चलेंगे BTM। तो चलो स्टेशन का अंदर जाते हैं, कैसा क्या है देखता हूँ। पहले बार मैं आया हूँ बैंगलोर का मेट्रो स्टेशन, तो चलो अंदर फिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप कैश देके टिकट लेंगे, एक टुकन मिलेगा, वो टुकन लेके वहाँ पे दिखाना पड़ता है, फिर चलते हैं। जो भी प्रोसीजर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड जो है वो टिकट के लिए लाइन पे खड़ा है। ये है हमारा टिकट नहीं, ये टुकन है, महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन से मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन। तो ये मिला है, अभी देखते हैं इसको क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। मेट्रो में है लेकिन टिकट भी मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे पता नहीं है। तो यहाँ काउंटर मिला है, यहाँ पूछ के पता करते हैं कहाँ जाना है।
नेक्स्ट हमारा ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आएगा, तो हम अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 जा रहे हैं, तो यहाँ से चलेंगे हम अभी। चलो फिर चलते हैं। तुमको कुछ बोलना है? मुझे यही बोलना है कि आप लोग जरूर आइए यहाँ पे और मेट्रो को एक्सप्लोर कीजिए बेंगलोर में आके, आपको रियली बहुत अच्छा लगेगा। डिस्टेंस बहुत कम रहता है, अभी बहुत जगह पे नहीं बना है मेट्रो, बट अब धीरे धीरे करके जो है जगह पे भी एक्चुअली मेट्रो बनेगा। एक्चुअली हम रहते हैं BTM स्टेज 2 में, BTM में अभी मेट्रो नहीं है फैसिलिटी, तो हम सोचे कि एक बार मेट्रो में जाकर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो अभी हम जाएंगे मजेस्टिक तक जाती है, तो मजेस्टिक से हम फिर BTM बस से चले जाएंगे। बस आपको बोले थे पहले ही हमको मेट्रो में आने का टाइम, अगर बैटरी रहा तो हम लोग मेट्रो में आएंगे, तो हमारा बैटरी रहा इसलिए हम मेट्रो में आए। तो जो भी चैनल में अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो अभी प्लेटफॉर्म 2 में पहुंच चुके हैं, अभी ट्रेन आने वाला है, ट्रेन आने के बाद ट्रेन में चढ़ के जाएंगे। हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया, अभी हम निकलेंगे। अभी मजेस्टिक बस स्टॉप में हैं हम, जैसे आए थे हम मेट्रो से आके यहाँ उतरे हैं। तो मैं बोल दे रहा हूँ अब हम जो आए, हमारा कितना खर्चा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पर पर्सन 90 रुपीज़ खर्चा हुआ इंक्लूडिंग मेट्रो। तो बस आराम से आ सकते हैं, अगर हम कैब में भी देखे थे, कैब में 366 समथिंग था, तो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, बहुत एंजॉय किए हम, एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि कैब में आते तो हम डायरेक्ट बैठते, डायरेक्ट आके यहाँ उतरते, लेकिन हम ये जो एंजॉयमेंट किए वो नहीं कर सकते, इसलिए हम मतलब इसमें आए। तो बस आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिए। तो मैं हर एक वीकेंड में ट्राई करूँगा वीडियो आपके लिए अच्छे से लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जय।